झारखंड में कुछ विषय अभी भी अनुत्तरित है, कुछ विषयों पे अभी फिर से कहा गया है जब हम लोग जाएंगे, राजनीति होती है, अच्छी बात है, राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन झारखंडियों के विषय पर या झारखंडियों के उम्मीद आशा और झारखंडियों के भविष्य के साथ में रख करके या नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कई एक लोग आज सड़कों पर हैं, पंचायत स्वयं सेवकों का आज बहुत गंभीर लाठीचार्ज हुआ है, बहुत लोग आज अस्पताल में हैं, सर भी फूटा है, संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी, डेली वेजेज के लोग, पारा शिक्षक, पोषण सखी, चौकीदार, दफादार, दिव्यांग, बीआरपी, सीआरपी, ऐसे सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे तो उनके विषयों को, जो आज सभी लोग आंदोलन के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। पिछले साल किसान धान खरीदी हुई है, पैसा नहीं मिला है, अभी किसान का धान खरीदने का समय आ गया है, उनको पिछले बार वाला नहीं मिला है, अभी भी उसको करना है। लॉ एंड ऑर्डर में राज जी ने कहा, धनबाद में कैसे माननीय सदस्य ने किस तरह स्थिति है, जेल के अंदर हत्याएं हो रही, जेल के बाहर पुलिस की हत्याएं हो रही है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ किस तरह से आया हुआ, एनआई के छापे पड़ रहे हैं, झारखंड में छापे पड़ रहे हैं, ये सारे ऐसे विषय हैं जो झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न के रूप में खड़ा है। जब ये सत्र चालू हुआ तो भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे के साथ चालू हुआ था, फिर हम लोग आए तो युवाओं के विषय को लेकर के जेएससी जेपीएससी एक विनियोग आया, हम सब लोगों ने मिलकर 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इनको दिया है, सरकार को दिया है, आपने राजभवन से लौटाए गए बिल को भी वापस किया, वापस हम लोगों ने ध्वनिमत से पारित किया, दो और बिल आए, दो यूनिवर्सिटियां आई, अपने झारखंडी आंदोलनकारियों के लिए आपने आरक्षण भी लेकर के आए नौकरियों में 4% का, उसमें वनांचल जोड़ने के लिए, और वनांचल को भी मिले ऐसा भी हम लोगों ने आग्रह किया कि आप उसको भी जोड़ दीजिए। ये सारी बातें लेकर के मैं इतनी कहूंगा कि झारखंड और झारखंडियों के विषय में अब तो जब आखिरी साल है माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार इस पद पर, इस जिम्मेवारी पर हूँ, दायित्व के निर्वहन में हो सकता है जो कुछ भूल त्रुटि भी हो, अपने पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे से आम कार्यकर्ता को भी यहाँ इस पद पे रख करके 3.5 करोड़ झारखंड के विषयों को रखने का मौका दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत सम्मान मिला, मान मिला, आप लोगों ने भी मौका दिया। इस छोटे से सत्र में जब हम लोग शुरुआत किए थे, आज तक हमारे 3 विधायक भी निलंबित हुए, आज हम लोगों ने और चीजें भी देखी है, अभी सदन नेता अपना भाषण भी देंगे। माननीय मंत्री जी ने मदारी भी कहा, बांग्ला ही अपनी जाने जेटा, नहीं नहीं आप उसको उस सेंस में नहीं लीजिए, हम वो एक महाभारत, हम मुहावरा के रूप में, हम मुहावरे के रूप में उनके उनके सम्मान के लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अहंकार किसी के साथ भी रह सकता है, अहंकार रह सकता है, अहंकारी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महोदय, हमारे इस संसदीय परंपरा को और मजबूत बनाने की कोशिश होनी चाहिए, संसदीय परंपराएं और मजबूत हो, सभी को मौका मिले, अवसर मिले, सभी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और लगभग ये अब हमारे इस 5वें विधानसभा का उत्तरार्ध भी है, क्योंकि अगली बार जब हम शीतकालीन सत्र करेंगे शायद नहीं होगा, क्योंकि हम सीधे उस समय चुनाव में होंगे। The follow-up.in, like, share, and subscribe.